केदार प्रसाद गुप्ता जिंदाबाद, नित्यानंद राय जिंदाबाद। हम कह रहे थे एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हमारे पंचायत के कार्यकर्ता है ललन जी, ललन जी से मैं निवेदन करता हूँ कि आए हुए माला पहनाए। अरुण तिवारी जी वस्त्र पहनाए प्रमोद जी को। सर लगातार कुंडनी घूम रहे हैं, क्या कुछ माहौल लग रहा है? माहौल यहाँ तो कमल खिलाने के लिए यहाँ की जनता कमर कस ली है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सेवा कार्य, कल्याण का कार्य, विकास का कार्य और देश के लिए जो काम किया गया है, समझे ना, गांव की प्रगति, जिला की प्रगति, देश की प्रगति नरेंद्र मोदी जी के संकल्प के साथ उनके भगीरथ प्रयास से हो रहा है। और लोगों के मन में मोदी मोदी मोदी, कमल कमल कमल, उसी प्रकार से मोदी जी के मन में 130 करोड़ देशवासियों के साथ कुरहन्नी के भी वासी हैं और यहाँ कमल खिलेगा। यहाँ की लड़ाई जनता लड़ रही है, यहाँ की लड़ाई सिंडिकेट बनाम जनता है और जनता जहाँ होती है जीत उसी की होती है। सिंडिकेट की बात बार बार कर रहे हैं, सिंडिकेट में और कौन कौन शामिल है? अरे दिनेश भाई है, दिनेश सिंह, मनोज कुशवाहा और जगेश्वर राय वैशाली जिला वाला, तीन गो और उससे बहुत है, पता होगा तो और बता देंगे। AIMIM के प्रत्याशी यहाँ पे बस यहाँ कमल खिल रहा है बहुत धंधे से, बहुत अच्छा। कुछ नहीं, हम भाजपा जीतेगी, एनडीए जीतेगी। एनडीए में जहाँ चिराग पासवान जी का आशीर्वाद है, पशुपति जी का आशीर्वाद है, नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है, इन जिनको राजनाथ सिंह का आशीर्वाद है, जेपी नड्डा का आशीर्वाद है, जनता का आशीर्वाद है, भाई केदार भारी मत सरकार तो अनर्थ कर रही है। अच्छा याद दिला दिए, सरकार के यहाँ कुछ लोग जनता को तो धमका रहे हैं, कार्यकर्ता को भी धमका रहे हैं, जनता कुछ से डरती है? ये तो सरकार यहाँ भ्रष्टाचार पर उतारू है, सरकार यहाँ बीजेपी के लोगों को, समझे ना, गलत केस में फंसाने के लिए कई दिन से प्रयास कर रही है। उस गांव में जनता खड़ी हो जाती, आओ तुम अनर्थ करोगे तो होने देंगे? अरे भाई, और सुनिए, अनर्थ करने के लिए यहाँ अगर राज्य सरकार यहाँ तत्पर रहे, कमर कस के अगर लोगों के साथ अन्याय करेगा तो यहाँ समझना चाहिए बिहार के सरकार को कि गृह राज्य मंत्री का भी यह धरती है और मैं भी यही हूँ, अत्याचार नहीं होने देंगे। धन्यवाद।